अक्षलीन, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और हमारी कहानी का नाम है छुपन छुपाई। ये कहानी दो बच्चों की है, एक लड़की और एक लड़का। अक्षलीन, ये कहानी का कवर पेज है, पहला पेज। क्या आप मुझे बता सकती हो कि इसका आखिरी पेज कौन सा होगा? शाबाश, अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें? यहाँ से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लड़की का नाम है बबली और लड़के का नाम है जीत। ये कहानी बबली और जीत की है। एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। देखो यहाँ कितने सारे बच्चे हैं। आप बता सकती हो कि इसमें जीत और बबली कहाँ है? बबली जीत। अरे वाह, शाबाश। उस दिन जीत की बारी थी। देखो जीत अपनी बारी दे रहा है और सब कहाँ जा रहे हैं? छिपने के लिए। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला। मोहित दरवाजे के पीछे ही मिल गया। जैसे ही जीत घुसा, उसे कौन मिला? मोहित। जीत बाकी सबको कमरे में ढूंढने लगा। बबली अलमारी के पीछे मिल गई। कौन खड़ा है अलमारी के पीछे? बबली। उमा पलंग के नीचे मिल गई। कहाँ छिपी है उमा? दादी के पलंग के नीचे। उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। देखो कमरे से बाहर जा रहा है ना, आंगन की तरफ। मीता दादी के पीछे मिल गई। दादी क्या कर रही है? थाली में कुछ कर रही है, शायद कुछ बीन रही है। और मीता कहाँ छुपी है? दादी के पीछे। जीत ने उसे ढूंढ लिया। जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। कैसे ढूंढते हैं? ढूंढ के दिखाओ। किसी को ढूंढते तो ऐसे करते, जीत भी कर रहा है। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा। पहले कहाँ गया? आंगन में। और उसके बाद चादर के पीछे ढूंढा। क्या मिली नाजिया? नहीं। जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वह पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा। ऐसे सोचते हैं आप? ऐसे सोचते हो? देखो जीत भी ऐसे ही सोच रहा है। नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा कर दिया। धप्पा, मैंने आपको ढूंढ लिया है ना। जीत दोबारा गिनती गिन